नमस्कार, मैं हूं फरहान। नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। नोटबंदी के बाद कहा गया था कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कहा गया कि अब पाकिस्तान भारत में यानी कश्मीर में अपने मंसूबों को हवा नहीं दे पाएगा। और नोटबंदी के बाद तो पुख्ता यह कह दिया गया था कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं अब वह महज कागज के सिवा और कुछ नहीं है, यह बात कही गई थी। लेकिन मौजूदा समय में कश्मीर घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यहाँ 90 के दशक की दुहाई दी जाती है, तमाम फिल्में बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि एक दौर था जो कश्मीरी पंडितों के लिए एक प्रलय के समान था। 250 से 300 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी। लेकिन क्या वह दौर खत्म हो गया? क्या कश्मीरी पंडित अब खुश हैं? क्या उन्हें वापस कश्मीर घाटी में बसा दिया गया? बसाना बहुत दूर की बात है, मौजूदा समय में भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कश्मीरी पंडित ही कहना गलत होगा, बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों को अभी भी चुन चुन कर मारा जा रहा है आतंकियों के द्वारा। सरकार क्या कर रही है? पिछले दौर की बात की जाती है कि हम होते तो ऐसा करते, आज आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। आज एनसीपी के प्रवक्ता हैं महेश तापसे, उन्होंने कहा कि सरकार विफल है, कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में सरकार विफल है। द कश्मीर फाइल्स मूवी का जो प्रचार और प्रसार किया गया वह सिर्फ आगामी चुनावों को लेकर किया गया कि हम चुनाव जीत सकें, और इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। एक फिल्म के द्वारा एक सच्चाई यदि दिखाई जा रही है, आप उस सच्चाई का सिर्फ फायदा उठा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। मौजूदा समय में जो कश्मीरी पंडितों का हाल है, जो उनके हालात है और लगातार घाटी में मौत की खबरें सुनने में आ रही हैं, उसको लेकर मौजूदा सरकार क्या कर रही है, यह बड़ा सवाल है और ये उठता रहेगा। जनता भी इस सवाल को उठाएगी और विपक्षी दल भी यह सवाल लगातार करते रहेंगे सत्ताधारी दल से। इतना ही नहीं, शिवसेना का जो न्यूज़पेपर है सामना, उसने भी यही कहा कि कश्मीरी पंडितों को जब उनका पलायन हुआ और जो महाराष्ट्र में आकर बसे तो उनकी भरपूर हिफाजत की गई और किसी की भी हत्या नहीं हुई। उद्धव ठाकरे लगातार बयान देते रहते हैं और संजय राउत भी सामना में लगातार बीजेपी पर पलटवार करते रहते हैं, और फिर से यही कहा गया सामना में कि हिंदुत्व का राग कितना भी आराप लीजिए, लेकिन जब हिंदुओं की रक्षा की बात आती है तो जो शिवसेना करती है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक वह कार्य नहीं किया, बल्कि वह फेल नजर आई कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में। वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुत्व का राग आलापती है, यह शिवसेना का कहना है। और एनसीपी भी लगातार इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, और यह बात झूठ भी नहीं है। बिल्कुल कहा गया था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद पर एक लगाम लगाई जाएगी, या फिर कहा है वह लगाम? बिल्कुल लगाम नहीं लगाई गई, बल्कि नोटबंदी को जो कहा जा रहा है, लगातार विपक्षी दलों के द्वारा कहा जा रहा था कि आपने चुनाव जीतने के लिए नोटबंदी की, और यही सामना में कहा गया कि आप जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं वह महज चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा था। यदि कांग्रेस इस बात को करती है तो हम कह सकते हैं और कह रहे थे लगातार कि यह भारत के हित की बात नहीं करती, हिंदुओं के हित की बात नहीं करती, लेकिन शिवसेना से बड़ा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला हिंदूवादी चेहरा कौन होगा? शिवसेना की यदि बात करें, वह भी सर्जिकल स्ट्राइक को फिर से फर्जी कह रही है।
और हिंदुओं की जो हिफाजत करने का बीड़ा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें वह फेल नजर आ रही है, उस पर भी लगातार शिवसेना सवाल कर रही है। इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में भारतीय जनता पार्टी असफल नजर आ रही है? क्या शिवसेना जिस तरह से उस पर आरोप लगा रही है, वह आरोप लगाना सही है या गलत है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।